एक्सपेंडर टीवी नेटवर्क की जानिब से मैं आपकी होस्ट सारा फरहान मौजूद हूँ कराची ईद फेस्टिवल में 2023 जो कि मुनक्किद किया गया है यहाँ पे डिफेंस फेस एड में। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे फूड आइटम भी मौजूद हैं जो कि बहुत एक लुफ्त दे रहे हैं, बहुत अच्छा एम्बियांस है, साथ साथ म्यूजिकल नाइट भी है और इसके साथ साथ हमारे और आपके पसंदीदा सिंगर्स भी मौजूद होंगे यहाँ पे। लेकिन बस यहाँ पे होती नहीं है, अभी इसके साथ साथ देखा जाता है कि जी फूड के साथ साथ सिंगर्स के साथ साथ खूबसूरत एम्बियांस और खूबसूरत लोगों के दरमियान हमारे पास मौजूद है एक बहुत ही यूनिक सा नाइन मार्केटिंग का एक स्टॉल, जहाँ देखते हैं और पूछते हैं और आपको बताते हैं कि क्या स्टॉल है, इसकी क्या खासियत है, क्या कर रहा है यहाँ ईद फेस्टिवल में। तो लेके चलते हैं इनके पास और पूछते हैं इनसे इनकी वैरायटीज, खसूसियात, क्या कर रहा है भाई यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मैडम आप? अल्लाह का शुक्र है। मैडम, नाइन मार्केटिंग के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। नाइन मार्केटिंग जो हमने बेसिकली लॉन्च की है वो इसलिए लॉन्च की है कि आजकल जो पब्लिक को जो मौजूदा हालात के अंदर जो अपने समाया जो कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। नाइन मार्केटिंग उनकी रहनुमाई करती है कि जो भी प्रोजेक्ट हम अपने प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसकी NOCs SBCA से और हर मुतालिका इदारा से कंप्लीट है। और नाइन मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म अदा कर रही है इस वक्त जो हालात और उसके पेश नज़र वो तकरीबन मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर यानी प्लॉट्स के हवाले से और प्रोजेक्ट के हवाले से, फ्लैट्स के हवाले से, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर अपना खिदमत सर अंजाम दे रही है, जिसके अंदर हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस वक्त फलकनाथ वंडर सिटी है, रूमी सिटी के नाम से M9 के ऊपर जो प्रोजेक्ट है, अबराजुल मीनार स्कीम 33 के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, विक्टोरिया के नाम से हमारे पास विक्टोरिया बिजनेस लाउंज है, विक्टोरिया के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं जो कुलाची हाउसिंग सोसाइटी में वाकई हैं इस वक्त। तो एक पब्लिक के लिए एक अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं जो फ्यूचर आज जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके अंदर फ्यूचर के अंदर उसको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और एक अच्छी होप के साथ कि उसको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा जो प्रॉफिट के हवाले से या अपनी जमा कुंजी जो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको पता है कि मुझे आज से 2 साल बाद 3 साल बाद जो रिजल्ट मिले तो उस हवाले से हम एक अच्छा पेश अपना मामलात को सारी चीज़ें देख रहे हैं उस हवाले से कि जो भी हमारा क्लाइंट हो एंड कंज्यूमर हो उसको जितना बेनिफिशियरी बना सके, जितना प्रॉफिट टेकिंग करवा सके उस हवाले से हम अपनी खिदमत कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी अंडर द वन अम्ब्रेला ये प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम फैसिलिटीज, इज इट ट्रू? ठीक है, इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि विजिट कर रहे हैं आपके स्टॉल पे और यहाँ आके यहाँ विजिट करने वाले कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट है आप लोगों की जानिब से? इसके ऊपर अभी सबसे पहले हमारे पास स्पेशली जो बेनिफिशियरी कस्टमर के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो फलकनाथ वंडर सिटी है, जिसके आज जो शेड्यूल प्राइस है 55 लाख रुपए, उस पर स्पेशल डिस्काउंट हमने ऑफर की भी है। 10 लाख रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है 120 गज पे, 7 लाख रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है हमारा 80 गज के ऊपर। और दूसरी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है रूमी सिटी के हवाले से M9 के ऊपर से, जो कराची का एक नामवर बिल्डर है जो 100% डिलीवर करता है, रूमी सिटी M9 पे वाकई है बिल्कुल सिरी इंटरचेंज के साथ, उसके अभी प्री लॉन्चिंग प्राइस है 18 लाख रुपए, जो हम अभी दे रहे हैं कस्टमर को 17 लाख रुपए पे, तो कस्टमर उस पर पूरा बेनिफिशियरी बन सकता है और फ्यूचर के अंदर उसकी जब लॉन्चिंग होगी तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट प्राइस जो होंगे 24 लाख के होंगे, तो अच्छा बेनिफिशियरी, एक अच्छा रिजल्ट ऑफ इनकम है उसके पास। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत मजेदार सी मुझे यहाँ पे ऑफर्स भी मिली हैं। तो क्या ख्याल है कि जी हमें और आपको यहीं पर ही मौके से फायदा उठा लेना चाहिए और बुक करवा लेना चाहिए फलकनाथ में जो है वो अपना प्लॉट या फ्लैट, इज इट ट्रू? फलकनाथ में प्लॉट्स हैं 120 गज और 80 गज, फलकनाथ वंडर सिटी और रूमी सिटी के अंदर भी हमारे 120 गज, 160 गज और 200 गज के प्लॉट है जो M9 पे वाकई है, बिल्कुल BTK 2 के बिल्कुल जस्ट बराबर में ये 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर, एक अच्छी लोकेशन के ऊपर और जिन प्राइस में अवेलेबल है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर डबल प्राइस है। चलिए जी बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने देखा जब मैं यहाँ इंट्रो करने आई तो यहाँ बहुत सारे विजिट्स कर रहे थे कस्टमर, जिनमें एक बहुत खूबसूरत सी पीटी सी खातून भी हमारे सामने मौजूद थी, लेडी जो यहाँ पे पूछ रही थी कि क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो हम चलते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं कि क्या इरादा बना आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। इरादा तो अभी मैंने इनकी डिटेल्स दी है, बड़े अच्छे इनके पैकेजेस हैं, बड़ा सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है,
बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है, जाएंगे बुकिंग कराएंगे। वहाँ पे जितने भी फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सो जी आपने बिल्कुल देर नहीं करनी। और जी चलते चलते इसके साथ साथ आपको झटपट से ही बताती चलूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती, तो जब मिल रही है तो अवेल कर लेना चाहिए। एक्सपेंडर के साथ हम आपको लेके चलते हैं, इस खूबसूरत एम्बियांस को दिखाते हैं और साथ साथ और मजीद खूबसूरत एक्टिविटीज को भी आपको जो है वो लेके चलते हैं साथ। तो लेट्स गो।